चले जी, आज है फॉन्डेंट घनाश की तरफ। जी, यहाँ बन चुकी है घनाश, ये देखिए। इसको मैंने मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पे ला रही हूँ, इसको टेम्पर कर रही हूँ। जब कोई चीज़, स्पेशली चॉकलेट के लिए वर्ड यूज़ होता है टेम्पर करना। अच्छा जी, कस्टमर ने मेरे साथ ये पिक्चर शेयर की है, ये देखिए, कि आपने यूँ इस टाइप का कुछ हमें बना के देना है, सेम ना हो लेकिन मिलता जुलता हो। यानी ये केटल चाहिए उनको, उनका कोई बच्ची का प्रोजेक्ट है जिसके लिए उसने लेके जानी है, तो सेम उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, ऐसा लगे जैसे बच्ची ने खुद बनाया है। एनीवे, हम कोशिश करेंगे कि बच्ची के हाथों का काम हम इसके ऊपर कर सकें, लेकिन हमने तो काम करना है। तो इस तरह से कुछ मिलता जुलता उन्होंने कहा बनाना है, सेम नहीं बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो आ गए हैं एक और न्यू एपिसोड के साथ, बहुत इमरजेंसी ऑर्डर के साथ। बेसिकली ये एक स्टूडेंट का ऑर्डर मुझे आया था तकरीबन रात के 9 बजे, और सीन कुछ ऐसा था कि उनको एक प्रोजेक्ट मिला था कटलरी केक के ऊपर, कि एडिबल कटलरी बना कर लानी है, चाहे वो फॉन्डेंट की हो, चाहे वो गम पेस्ट की हो, चाहे वो केक्स की हो, आप कुछ भी एडिबल फॉर्म में बना कर लेकर आएंगे। अब उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया तो मैंने उनको मशवरा दिया कि हाँ ये बन तो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, आपको मॉर्निंग 9 o'clock चाहिए और इस टाइम 9 बज रहे हैं, और इस केक के ऊपर बहुत वर्क होता है। यानी गर्मी है, गर्मी में पहले बेक करना है, फिर इसके ऊपर घनाश एप्लीकेट करनी है, उसको स्टेबल होने में 3 से 4 घंटे लगेंगे, देन हम इसके ऊपर फॉन्डेंट आर्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद गम पेस्ट के कुछ टूल्स बनाकर ऊपर लगाएंगे। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट पास की और ये मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग ऑर्डर था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट केस के ऊपर काम कर लिया जाए। तो जी, मैं स्टार्ट हो गई रात के 9 बजे। सीन ऐसा था कि मैंने जो स्पॉन्ज है वो मैंने बेक करके रख लिए, उसकी वीडियो इसमें नहीं होगी। स्पॉन्जेस बेक है मेरे, वो मैं आपको बता दूँ कौन से स्पॉन्ज है। वो वही स्पॉन्ज है जो मैंने यूज़ किए थे, जो हमारा लास्ट मेरी वीडियो आई है यूनिकॉर्न थीम केक वाली, वो फॉन्डेंट स्पॉन्ज है। आप हर तरह के कार्विंग के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, फुली रिकमेंडेड है, और इसमें मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। और आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसको कार्व किया, कैसे उसकी मैंने शेप बनाई, और किस मोल्ड में मैंने इसको बेक किया। ये सारी चीज़ें आपने डिटेलिंग देखनी है। गम पेस्ट की रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हुई हूँ, और उसके बाद आपके पास फॉन्डेंट की रेसिपी ऑलरेडी है, लेकिन मैं फिर भी इसमें थोड़ा बहुत मेंशन कर दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए कि किस तरह से मैंने टी पॉट कैटल बनाया है। चले जी, आज है फॉन्डेंट घनाश की तरफ। 300 ग्राम चॉकलेट है और 100 ग्राम जो है वो व्हिपिंग क्रीम है, नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम लेनी है। इसको हम मेल्ट करके घनाश की फॉर्म में ले आएंगे, ये समर के लिए है। जब मज़ीद आगे ह्यूमिडिटी का मौसम आ जाता है, हब्स का मौसम आ जाता है, तब घनाश की रेशो चेंज हो जाती है। तो समर के लिए 3:1 की रेशो मैं ले रही हूँ। चले जी, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, ठीक, ताकि ये मेल्ट हो जाए। जब कभी घनाश बनानी हो तो चॉकलेट को हीट दिलवा के बार बार इसको मिक्स करना होता है। ओके जी, यहाँ बन चुकी है घनाश, ये देखिए। इसको मैंने मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पे ला रही हूँ, इसको टेम्पर कर रही हूँ। जब कोई चीज़, स्पेशली चॉकलेट के लिए वर्ड यूज़ होता है टेम्पर करना, ठीक है, इसको टेम्पर करना कहते हैं। और इसको मैं करके और इसे ठंडा करूँगी, और फिर हम इससे इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे, जो के होते हैं फॉन्डेंट केक के लिए ये घनाश एप्लीकेट होती है। तो इसे अभी थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगी, फिर एप्लीकेट करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर दो मैंने इस तरह वाले बना लिए हैं, स्पॉन्जेस बना लिए हैं, ये देखिए। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वहाँ से आपने ले लेनी है फॉन्डेंट केक की, जो सेमी फॉन्डेंट केक मैंने लास्ट वीडियो डाली है यूनिकॉर्न वाली, वो है इसकी रेसिपी, ठीक है। अच्छा, ये वाला इस तरह वाला मोल्ड लेना है आपने, और इस तरह वाले दो आपने बना लेने हैं केक। इनको रखेंगे साइड पे, कटिंग करेंगे, केक बोर्ड लेना, ठीक है। चलिए जी, मैं बताने लगी हूँ मैंने क्या किया। ये मैंने छोटा सा पीस उतार के साइड पे कर लिया, यहाँ से उतारना केक, ताकि यूँ हम ऐसे इसको स्टेबल रख सकें। अगर ये राउंड होगा तो ये लिफ्ट कर जाएगा, अपनी जगह से साइड पे हो जाएगा, तो इसलिए इतना पीस हमने उतार देना है, और फिर हमने यूँ कटिंग कर लेनी है ताकि हम फ्रॉस्टिंग कर सकें। ऊपर से कुछ नहीं, हल्की सी लेयर उतारेंगे और कुछ भी
नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है, चीज़ों को समझना पड़ता है। ऐसे कोई भी केक्स हो, काइंडली उसकी पिक्चर सामने रखा करें और फिर बनाया करें। सीन ही होता है कि कस्टमर ने जो पिक्चर भेजी होती है उसके अकॉर्डिंगली हमने चलना होता है। तो मैं अभी आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ, बेसिकली कस्टमर ने मुझे भेजा क्या है। जी, कस्टमर ने मेरे साथ ये पिक्चर शेयर की है, ये देखिए कि आपने यूं इस टाइप का कुछ हमें बना के देना है, सेम ना हो लेकिन मिलता जुलता हो। यानी ये केटल चाहिए उनको, उनका कोई बच्ची का प्रोजेक्ट है जिसके लिए उसने लेके जानी है, तो सेम उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, ऐसा लगे जैसे बच्ची ने खुद बनाया है। एनीवे, हम कोशिश करेंगे कि बच्ची के हाथों का काम हम इसके ऊपर कर सके, लेकिन हमने तो काम करना है। तो इस तरह से कुछ मिलता जुलता उन्होंने कहा बनाना है, सेम नहीं बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह मैंने दूसरे स्पॉन्ज के साथ भी वही कुछ किया जो मैंने इसके साथ किया है, ठीक है जी। तो काम शुरू करते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने क्या कार्रवाई डाली है। तो जी, घनाश हो गई है सेट, ये देखिए, ठीक है, इसको सेट कर लिया है। और ये हम करेंगे एप्लीकेट और साथ साथ हम करेंगे आपसे बातें। चलें जी, घनाश तो करेंगे साइड पे, अल्लाह का नाम शाम लेके इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मैं इसके नीचे कुछ नहीं लगा रही, देखें आप, और इस केक को हमने सोक भी नहीं करना, ठीक है। सोक करेंगे तो केक हमारा लिफ्ट कर जाएगा, तो हम डायरेक्ट घनाश लगा रहे हैं, एप्लीकेट करेंगे घनाश। देखें कितनी स्टेबल है, आपने भी ऐसी ही घनाश बनानी है सेम इसी रेशो से। ठीक है जी, तो यूँ हम केक को रख देंगे। तो हम आएंगे सेकंड लेयर की तरफ, यहाँ से आपने होल्ड करना है इसको केक को। देन जो इस तरह से कार्विंग वाले केक होते हैं ना, उनको सोक नहीं इतना किया जाता, उनके स्पंज को ही इतना मॉइस्ट बनाया जाता है ताकि उसे सो करने की ज़रूरत पेश ना हो। कि कितनी स्टेबल घनाश है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखेंगे कि ये मैं क्या करने वाली हूँ, रखेंगे। अच्छा, ये ज़रा हमने ऊपर से कटिंग करनी थी तो मैंने नीचे से कर दी, कोई मसला नहीं है, इसको भी हम कर लेंगे एडजस्ट, ठीक है जी। क्या एडजस्ट करना है, हमने बेसिकली इसको डोम शेप में बना के इसको एडजस्ट करना है। साथ साथ ही हम घनाश से इसकी कवरिंग भी करते जाएंगे साइडों से। अच्छा, जब भी गर्मियों में घनाश बनानी है आपने व्हिपिंग क्रीम, फ्रॉस्टी या रिचेस को यूज़ करना है, आपने और कोई भी क्रीम नहीं यूज़ करनी, ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको। ये देखिए जी, जूम करके हमने अपनी कैटल का मुंह बनाना है, यूं करके ऊपर को लाना है और इसको बंद करना है, ठीक है जी। ऐसे करके ऐसे घनाश स्टेबल होगी तो देन इसकी कवरिंग होगी। आपको लग रहा होगा ये तो कोई बॉल टाइप बन गया, तो जी बिल्कुल इसी तरह ही बनना है। ऊपर से हम फिर बाद में इसका फेस बनाएंगे। ओके, एक बॉल की शेप हमने इसको दे दी। ये देन ही होगा जब आप मोल्ड ही राउंड वाला यूज करेंगे, और अगर आप मोल्ड ही खराब यूज करेंगे तो देन आपसे ये कंट्रोल में ही नहीं आएगा। अच्छा, हम जरा राउंड में बना रहे हैं, ठीक है, कुछ हल निकाल रहे हैं इसका। ठीक है जी, हो गया ये सीन, अभी रखते हैं फ्रिज में, स्टेबल करते हैं। चलें जी, फॉन्डेंट को बेलते हैं, ठीक है, जो कि हमने उसके नीचे प्लेट और उसके ऊपर की प्लेट बनानी है। चलें जी, वाइट फॉन्डेंट है इसको भी बेल लेते हैं ताकि केक लाएं और उसके ऊपर हम कवर कर दें, ठीक है जी। और फिर हमने अपने फॉन्डेंट को के साथ केक को करना है कवर, ठीक है जी।
फोंडेंट को मैंने बेल लिया है, ला रही हूँ केक और इसको उसके ऊपर कवर करेंगे। अच्छा बेबूजे केक को आपने क्या करना है, ये देखें ये फर्म हो गया अच्छा खासा, ये देखें 10 मिनट मैंने रखा है, 10 मिनट में ये कितना अच्छा फर्म हो गया। इस पर मैं ज़रा पानी अप्लीकेट करूँगी, फोंडेंट है वो पकड़ करेगा और इसके ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है जी, अच्छे से सारे केक के ऊपर पानी लगा देना आपने। मेक श्योर आपका केक फर्म होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। देखिए कहीं से चॉकलेट आपको उतरती नजर आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, इसका मतलब केक हमारा बहुत अच्छे से फर्म हो चुका है। अगर बोर्ड गंदा होगा तो आप व्हाइट फॉन्डेंट यूज कर रहे हैं तो व्हाइट फॉन्डेंट आपका सारा गंदा हो जाएगा। ठीक है लीजिए जी, गला जो है वो मुझे तंग कर रहा है। बिस्मिल्लाह, ये माशाल्लाह से ठीक है, साथ साथ नीचे यूं यूं लाते जाना है। ओके ये देखें ऐसे फैलाएंगे, ऐसे पहले ऊपर से चिपका लेंगे ताकि गंदा ना हो, चिपक जाए, तंग ना करे। फैन बंद होना चाहिए जब आप फॉन्डेंट लगा लें, क्योंकि इसने ड्राई हो जाना है। फॉन्डेंट लगाने के बाद इस कोने को अच्छे से ऐसे से कर ले। देखें जी आज हमारी कैटल का क्या आलम बनता है। ये देखें ऐसे जहां पे बल आए वहां से आपने उस बल को हटा देना। ठीक है ये देखें, कोशिश ही करेंगे कि हम जो इसकी कैटल के ऊपर जो हमने बनाना है ना, ये ढक्कन टाइप, ये देखिए ठीक है, यूं करके जो हमने ढक्कन के ऊपर से करना तो वो यूं हम कर देते हैं। जैसे मेरी कोशिश थी कि मैं ये जो पीस है ना इसको यूं कवर कर दूं लाइक दिस, और फिर जो है वो मैं इसके साथ इसको कवर कर दूं, लेकिन मैं अब नहीं करूंगी क्योंकि हमारी यही कवरिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है ऐसे करके और यूं करके एक छोटा सा हम निकाल देंगे बाहर को। चलें जी पहले इसको तो कवर करें, पिज़्ज़ा कटर से यूं उतार देंगे और साफ जगह पे रखेंगे ताकि हमारा वाइट फॉन्डेंट है हमारे काम आ सके कुछ ना कुछ करने के, और इनके हम यूं ही एडजस्ट कर लें। ठीक है अगर लिफ्ट करते हैं तो बिस्मिल्लाह, ये देखें यूं मैंने लिफ्ट कर दिया इसको, ये देखिए जी। ये जो सीन पार्ट लगाना है हमने, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा बड़ा हो ताकि वो इसके नीचे आ जाए। पास कटर इतना बड़ा नहीं है तो मुझे इसके नीचे एक खूबसूरत सी प्लेट रखनी है बना के। अच्छा जी एक छोटी सी रोटी सी मैंने बेली है, इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है इससे बड़ी ही है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसके नीचे ग्लूकोज लगाऊंगी लिक्विड और इसके ऊपर भी ग्लूकोज लिक्विड लगा के ये जो मेरा ब्यूबी केक है इसको मैं यूं रख दूंगी और वो उसकी नीचे से प्लेट बन जाएगी। ठीक है जी, तो यूं कुछ हम करने वाले हैं, चलें जी देखते हैं। अच्छा जी ये लिक्विड ग्लूकोज है जिससे हम गम पेस्ट बनाते हैं, फॉन्डेंट बनाते हैं, यूं मैं इसको नीचे लगा रही हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि इसके साथ ग्रिप बहुत अच्छी आती है फॉन्डेंट केक की। ठीक है जी ये देखिएगा अब ये चिपक गया, इसने टस से मस नहीं होना, जो मर्जी कर लेना। देखे अब इसके ऊपर भी मैं क्या करने जा रही हूँ, सारा ग्लूकोज अप्लाई कर दूंगी ताकि इसके ऊपर जो है हमारा ये केक ये भी चिपक चिपक जाए। चलो जी अब एक ही दफा रखा है तो इसलिए रखा जाना है। देखिए स्पॉन्ज कितना जबरदस्त है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, घनाश कितनी जबरदस्त है और वो होल्ड हो रही है। तो यही चीज़ें आपको सिखानी थी मैंने इस वीडियो में, बहुत टेंशन थी घनाश फोंडेंट केक का स्पॉन्ज, ये चीज़ें बताएं भाई, हर दफ़ा ही बता रही हूँ, आप लोग हर दफ़ा ही नहीं देख रहे होते। ठीक है जी ये लीजिए जी, ये हो चुका है होल्ड और यूं इसकी ये कैटल हो जाएगी। ओके तो जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे गम पेस्ट कह रही हूँ,
यहाँ पे लगानी है सारी ग्लूकोज लिक्विड और यूं हम इसको चिपका देंगे। ठीक है जी, ताकि पता चल जाए। ठीक है जी, हाफ काम हो गया। अब रह गए इसका इधर से फेस यूं करके और इधर से होल्डर यूं करके पिक करने वाला। ओके, तो यूं करके आपने इसको स्टेबल कर लेना। अब क्या रहता है इसके ऊपर वाला छोटा सा ढकनी। तो जी यूं ये देखिए, यूं इसके अंदर, यूं इसके अंदर। ठीक है जी, ये कैटल के ऊपर वाला ढक्कन हमारा फिक्स हो गया। हो गया जी, अब इसको हम लपेटेंगे फोंडेंट को ताकि ये ड्राई होने से बचे। हम इसका कुछ और भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे इसके छोटे छोटे पर्ल्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, हैंडल जो था वो थोड़ा सा पर्पल कलर का था, तो मैंने ले ली है गम पेस्ट, जो कि मैं आपको गम पेस्ट बनाने बता चुकी हूँ। तो गम पेस्ट को अब हम करेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट। तरीका क्या है, वायर अंदर नहीं जा रही, यूं हम वायर को रख के आधी इधर निकाल लेंगे आधी उधर निकाल लेंगे। ठीक, यूं हम अंदर को ऐसे, तो ऐसे हम बंद कर देंगे। ओके, यहाँ से हम फोंडेंट या जो भी गम पेस्ट आपकी उसको हम इकट्ठा करके अच्छे से जोड़ देंगे और खूबसूरती से उसकी हम शेप को बरकरार कर लेंगे। तो वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं 2-in-1 कलर, इट्स ओके, वो मिक्सिंग का टाइम हो जाता है। जा ये देखिए जी, यूं हैंडल को आपने शेप देनी है। ये देख, इस तरह आपने इसको शेप दे लेनी है। तो हम क्या करेंगे, यूं करके उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, आ जाएं जी, जो उसका माउथ है वो बनाना है हमने। चलें जी, देखते हैं क्या सीन पार्ट आता है इसका। यूं करके थोड़ा सा हम फेस दे लेंगे इसको। ठीक है, तो यूं इसको रखते हैं, छोटा सा हमने बनाना है, हमने को इतना बड़ा नहीं बनाना। यहाँ पर ये देखिए, यूं पिक जहाँ तक जा सके। ठीक, देखिए जी, ये उसका फेस हो गया। यूं आ जाते हैं कुछ फ्लावर्स की तरफ, देखते हैं क्या हम काट के उसको डिकोर कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ हम काट के के ऊपर लगा देंगे ताकि कोई खूबसूरती सी बन जाए। ओके जी, ये जो प्लंजर कटर्स होते हैं ये मैंने पकड़ लिया है और इसी से मैं फूल छोटे छोटे काट रही हूँ ताकि ये हम उस पर लगा सके कैट। चलिए जी, आ जाए सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, इस पर लगाएंगे पानी, अगेन वही जेल। सबसे बेस्ट आइडिया जो है कोई भी फोंडेंट के ऊपर चिपकाने के लिए, तो वो ग्लूकोज ही है। अगर आप लिक्विड ग्लूकोज लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से होल्ड करता है और चिपक जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट पर, ये लीजिए ग्लूकोज लिक्विड के साथ मैंने उसको होल्ड कर दिया ताकि वो चिपक जाए, इधर उधर मत आए जाए। तो ये देखें जी, एक तो यूं बन गया है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, ये मैंने देखना है कि ये किधर को जाता है। ठीक है, और ये कितना अंदर को जाता है, तो उस हिसाब से इसको हमने यूं अंदर घुसा देना है और यूं रखना है ऐसे करके, यूं करके। ठीक है जी, इसका मामला खराब ना हो। देखिए, ये बड़ा कोई इमरजेंसी ऑर्डर मुझे आया था आज ही, और मैंने हालांकि उनको इनकार कर दिया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर्स थे और मुझे काम करना था। तो उन्होंने कहा, नहीं जी हमारी बच्ची का प्रोजेक्ट है तो कांडी उसको ये बना दें आप। तो मैं अब उस बच्ची के प्रोजेक्ट की खातिर जो है वो खपने लगी हुई हूँ। अल्लाह करे कि उसका प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाए और वो टाइमली उसके कॉलेज तक पहुँच जाए। तो इसको यूँ लाएंगे हम नीचे को ऐसे,
और ऐसे, ठीक। ये देखिए जी, ये हमारी केटल ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये लीजिए जी। तो ये हमारी केटल जो है यहाँ पर रेडी है, बस अब हमने फूल शूल लगाने हैं और इस केटल को हमने टाटा बाय बाय करना है। तो फूलों की नहीं लेनी जी टेंशन। ये देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे फूल, वो भी ऐसी बनानी है कि पता चले कि किसी बच्ची के हाथों की बनी हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रफ काम ही कर रही हूँ। और ये जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे हंसी भी बहुत आई, मैंने कहा चलें जी कोशिश करते हैं आज हम अपनी यूनिवर्सिटी टाइम याद करने की, कोई मसला नहीं हम बना देंगे। तो ये हो गई हमारी कैटल तैयार। सो जी केक मेरा कुछ तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको चाहिए भी 2 पाउंड में था और 2 पाउंड में मुझे एडजस्ट करना था बेसिकली। तो चलें जी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। मैं बहुत थक चुकी हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये सुबह तक स्टेबल हो जाए, और सुबह होने में भी सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 घंटे के बबाद दिन चढ़ जाना है और मुझे 8 बजे उनके घर ये डिलीवरी करानी है। तो चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।